हाँ तो बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन दे, इसमें सबसे पहली रिएक्शन है ऊर्जव क्रिया। ऊर्जव क्रिया क्या होती है? जब एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड और सोडियम धातु के दो मोल अणु आपस में क्रिया करते ईथरीय माध्यम में, शुष्क ईथर, तो यहाँ के दो सीएल, यहाँ दो एन ए देकर के दो एन ए सी एल क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो बचा क्या, यहाँ सी एस थ्री, यहाँ सी एस थ्री, ये सी एस थ्री, कितने बार आया है, दो बार आया। कितने कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या जुड़ता है, एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या जुड़ जाएगा, एन, तो ये बन गया एथेन। तो होता क्या है, मेथिल क्लोराइड के दो मोल अणु सोडियम धातु के दो मोल अणु आपस में क्रिया करके ईथरीय माध्यम की उपस्थिति में होता है, क्या क्रिया करके क्या बनाते हैं, मेथेन बनाते हैं। यह अभिक्रिया ऊर्जा क्रिया कहलाती है। ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, मेथिल क्लोराइड जो होता है इस, ये मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर फेनिल क्लोराइड, दो चीजें होती है, एक एल्किल ग्रुप होता है, एक एरिल ग्रुप होता है, इनके एक एक मोल अणु और जो सोडियम है उसके दो मोल अणु लेकर के 2NaCl यहां से बाहर निकाल देंगे। बचा क्या, ये C6H5 और यहां पर CH3, तो C6H5 और ये CH3 को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है टालुइन। क्या कहा जाता है, टालुइन, ठीक है। तो ये हमारा है फेनिल क्लोराइड से टालुइन या क्लोरो बेंजीन से टालुइन, ये चीज होता है। और अगली है फिटिंग अभिक्रिया, सब में ईथर ये माध्यम होता है। फिटिंग अभिक्रिया क्या होता है, फेनिल क्लोराइड के दो मोल अणु जो होते हैं वो सोडियम धातु के दो मोल अणु आपस में क्रिया करा करके क्या बनाता है, 2NaCl निकाल देता है, और ये C6H5 को क्या कहा जाता है, फेनिल। कितनी बार आया, दो बार आया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल। तो ये होती है रिएक्शन, तीनों के तीनों सोडियम धातु से रिएक्शन करती हैं। ऊर्जा क्रिया में एल्केन बनता है, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया में टालुइन बनता है, और जो फिटिंग अभिक्रिया होती है उसमें डाइफेनिल बनता है। फिटिंग, जिसमें फिटिंग शब्द आएगा उसमें फेनिल ग्रुप लेना है, फिटिंग शब्द आ रहा है फेनिल ग्रुप, ऊर्जा की बात हो रही है यानी CH3CL लेना है, एक एल्किल क्लोराइड, एक RX लेता है, लेते हैं ना, इसमें दो RX और दो NA मिलकर के क्या बनाते हैं, एथेन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। और इसमें एक होती है फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, इस 2NA की जगह जब हम क्या यूज कर ले, ZN, तो CH3CL प्लस क्या यूज कर ले, ZN, और यहां पर है CL और CH3, तो ZnCl2 बाहर निकल जाएगा, ईथर में ही होता है ये, ZnCl2 बाहर निकल जाएगा। बचा क्या, CH3CH3 यानी C2H6 बन गया एथेन। तो ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, चार चार रिएक्शन पूरी हो गई। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन।